जय सर, मैं इंस्पेक्टर अनंत कुमार पांडे तहसील वाले आईटीबी से। हमें घटना की जानकारी मिलते ही हम तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुए। बड़ी रात में 2:40 पर हम वहां पर पहुंच गए। सिविल प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने के बाद एक लोकर की मदद से हम रेस्क्यू पॉइंट के लास्ट पॉइंट तक गए। वहां जाने के बाद जो नजदीकी लोग खड़े थे उनसे हमने बात की और जो बची हुई 10 टॉरी थी उनसे हमने ड्रैगन लाइट की मदद से संपर्क स्थापित करा ताकि उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि हमें बहुत जल्दी ही निकाल लिया जाएगा। फिर हमने उस पूरे एरिया की रैकी की। रैकी करने के बाद लगभग उजाला हो गया था, एरियल रैकी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन टेरेन और कंडीशन इतनी खराब थी कि स्टार्टिंग की एरियल रैकी को खास सफलता नहीं मिल पाई, जिसके कारण आईटीबीपी का ग्रुप लोकल के साथ मिलकर इम्प्रोवाइज तरीके से एक रस्ते को हमने पुली की मदद से ऊपर जो रोक था उसपे डाला और जिसकी मदद से हमने नंबर एक ट्रॉली पर वाटर बोटल और रिफ्रेशमेंट का सामान पहुंचाया। उसके बाद सिविल प्रशासन से हमने बात करके ड्रोन मंगवाए, क्योंकि लास्ट नाइट सिविल प्रशासन ने ड्रोन को ऑपरेट किया था लेकिन वो सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं कर पाए थे। हमारी जो यूनिट है वो एंटी नेक्सस ऑपरेशंस में है, तो हमें ड्रोन का अच्छा एक्सपीरियंस था, तो हमने ड्रोन की मदद से रस्सी को ऊपर पहुंचाया और उसकी मदद से हमने वाटर बॉटल्स वगैरह ऊपर पहुंचाई। उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर जहाँ पर रस्सी पहुंच चुकी थी वहां से हमने सिविल फोर्स से सिविल पॉपुलेशन की मदद से 4 लोगों को रेस्क्यू किया। ये 4 लोगों का रेस्क्यू करना इस पूरे ऑपरेशन का मेन टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि काफी लंबे समय बीत चुका था और कोई रेस्क्यू नहीं हुआ था। सबका मोरल डाउन था वहां उस कंडीशन में, वहां सबका मोरल बहुत अप हुआ और फिर एक ऑपरेशन में एक फ्लो आ गया और फिर कंटिन्यू हमारे एलिट ने लोगों को रेस्क्यू करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जून ट्विस्टर को रेस्क्यू किया जा रहा था, उसके लिए हमारी मेडिकल टीम लास्ट रेस्क्यू पॉइंट पर हेलीपैड पर अवेलेबल थी, जिनको की प्राथमिक उपचार दिया जा रहा था। और टेरेन इतना खराब था कि सर 4 लोग जो ऊपर चढ़ चुके थे वो नीचे नहीं आ रहे थे, तो हमारी आईटीबी के ग्रुप ने उनको वहां पर वाटर बॉटल रिफ्रेशमेंट सामान बिस्किट और केक वगैरह पहुंचाए। और पीछे भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण हमने एक अपनी छोटी टुकड़ी सिक्योरिटी में लगा दी थी ताकि कोई भी सिचुएशन पैनिक ना हो, सबको अपने कॉन्फिडेंस पे रखें। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके संबोधन से हम सब में एक नई ऊर्जा संचार हुआ है और मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और भारतीय सीमा पुलिस अपने देशवासियों के लिए सर्वप्रथम और सर्वोत्तम रहेगी। जय हिंद सर, थैंक यू। देखिए, इस दुर्घटना में बच्चे भी फंसे थे, क्या उनके लिए आप लोगों ने अलग से कोई रणनीति बनाई थी क्या बच्चों के लिए? सर। जो 15 राज जी हैं वो हमारे गाइड का काम कर रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया कि सर इस ट्रॉली में बच्चे ज्यादा हैं, तो हमने सबसे पहले उन्हीं ट्रॉली में पानी वगैरह पहुंचाया और उनसे हमारी रात में बात भी हुई। रात में हमने काफी टाइम उनके साथ उन पत्थरों पे बिताया और उनसे बात की ताकि वो परेशान ना हो। अच्छा, मुश्किल से मुश्किल चुनौती के सामने अगर हम धैर्य के साथ काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है। आप सभी ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिस धैर्य का परिचय दिया है वो अतुलनीय है। इसके लिए आप सभी प्रशंसा के अधिकारी हैं।